केंद्र सरकार ने की देश के अगले सेना अध्यक्ष को नियुक्त करने की घोषणा। 30 जून को खत्म हो रहा जनरल मनोज पांडे का कार्यकाल। आखिर कौन है नए सेना अध्यक्ष, आइए जानते हैं सब कुछ, लेकिन थोड़ा विस्तार से। भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को देश का अग्र सेना अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा कर दी है। वर्तमान में उप सेना अध्यक्ष के पद पर कार्यरत लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी 30 जून 2024 को अपना नया पदभार संभालेंगे और जनरल मनोज पांडे का स्थान लेंगे, जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं। सेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण करने से पहले वह 2022 से 2024 तक उधमपुर स्थित उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर थे। विशिष्ट फेलो से सम्मानित उपेंद्र द्विवेदी। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी को यूएस आर्मी वॉर कॉलेज कालिस ने यूएसए में नेशनल डिफेंस कॉलेज के समकक्ष पाठ्यक्रम में विशिष्ट फेलो से सम्मानित किया गया है। उनके पास रक्षा और प्रबंधन अध्ययन में एमफिल के अलावा सामरिक अध्ययन और सैन्य विज्ञान में 2 मास्टर डिग्री भी हैं। रीवा से हुई थी उपेंद्र द्विवेदी की शुरुआती पढ़ाई। मध्य प्रदेश के रीवा में सैनिक स्कूल के पूर्व छात्र लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी को 1984 में 18 जम्मू और कश्मीर राइफल्स में कमीशन दिया गया था। इसके बाद उन्होंने इस यूनिट की कमान संभाली। जनरल ऑफिसर को उत्तरी और पश्चिमी दोनों थिएटरों के संतुलित अनुभव का अनूठा गौरव प्राप्त है। उत्तरी सेना कमांडर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान जनरल द्विवेदी ने जम्मू कश्मीर में गतिशील आतंकवाद विरोधी अभियानों को संचालित करने के अलावा उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर निरंतर अभियानों को योजना बनाने और उन्हें लागू करने के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन का कार्य भी किया। आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी सेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्ति होने से पहले 2022-24 तक वो इन्फेंट्री और जनरल ऑफिसर कमांडर इन चीफ सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। उनके पास देश भर में चुनौतीपूर्ण माहौल में काम करने का भी अनुभव हासिल है। कश्मीर घाटी के साथ साथ राजस्थान में भी यूनिट की कमान संभाली है। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ कई सारे अभियानों में प्रमुख भूमिका भी निभाई है। चीन सीमा विवाद को लेकर उपेंद्र द्विवेदी ने निभाया अहम किरदार। बता दें कि 2022-24 के कार्यकाल के दौरान उन्होंने पूर्वी लद्दाख को लेकर चीन के साथ चल रही बातचीत में अहम भूमिका निभाई थी। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी का सेना के आधुनिकीकरण में काफी योगदान रहा। वो आत्मनिर्भर भारत के तौर पर सेना में स्वदेशी हथियारों के शामिल कराने में अगुवाई का काम किया। बता दें कि जनरल मनोज पांडे को 30 अप्रैल 2022 में सेना प्रमुख बनाया गया था। वह 31 मई 2024 को रिटायर होने वाले थे, लेकिन उन्हें 26 मई 2024 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 1 महीने का सेवा विस्तार मिला था। जनरल पांडे का कार्यकाल 30 जून 2024 को समाप्त हो रहा है और इसी दिन देश के अग्रसेना अध्यक्ष अपना कार्यभार संभालेंगे।